जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2024 के रिजल्ट को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कब तक आप लोगों का रिजल्ट यहां पर जारी होने वाला है और टीयर जो टू होगा इसमें वो कब तक कंडक्ट होगा, किस तरीके से यहाँ पर एसएससी का शेड्यूल है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें तो 18 तारीख को जो आप लोगों की आंसर की आई थी, ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद रिजल्ट का इंतज़ार है। काफ़ी सारे बच्चे रिजल्ट को देख रहे हैं कि रिजल्ट आए और अगर नाम लिस्ट में आता है तो ही टीयर टू की जो प्रिपरेशन है वो शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो आप लोगों के एसएससी के जो आगे के शेड्यूल है उस अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो कब तक यहाँ पर जारी हो सकता है उसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आती है वो आप लोगों को सही और सटीक मिलती रहे। उससे पहले इम्पॉर्टेंट अपडेट, टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो अभी आपको सिर्फ 307 रुपये में मिल रहा है। जी हाँ, ये ऑफ़र 14 और 15 अगस्त के लिए ही अवेलेबल रहेगा, तो इसको आप जो है जल्दी से ख़रीद लीजिएगा, बाद में फिर ये जो है इसके जो रेट्स है वो बढ़ जाते हैं। जी हाँ, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है जो 15 अगस्त है उसकी यहाँ पर आपको सिर्फ 307 रुपये में मिल रहा है जो आप लोगों का पास प्रो है एक साल का। इसमें आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम्स है सबका एक्सेस जो है वो मिल जाता है, ठीक है। टेस्ट बुक जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसमें अगर आप जो है राहुल कोड जो कूपन कोड है वो यूज़ करेंगे तो आपको 12% ऑफ जो है यहाँ पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है अगर ही पास लेते हैं आप तो यहाँ पर आप लोग जो है इनाम भी जीत सकते हैं, जैसे मोबाइल, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है घड़ी, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने जो है ऑफर्स रखा हुआ है, तो आप जो है यहाँ पर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, कोड यूज़ करना मत भूलिएगा राहुल, तो आपको 12% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल के रिजल्ट की अपडेट की बात करें तो एसएससी की तरफ से भी दो इम्पॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो आने वाले समय में एग्ज़ाम होनी है एसएससी सीजीएल 2024 की जो टीयर वन है उसके लिए एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आई हुई थी, जो कि आप लोगों की 10/8/2024 से लेके ये जो है यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम डेट है 11/8 इसमें जो है आपके एग्ज़ाम जो डेट है वो यहाँ पर आप लोगों की, ये तो करेक्शन डेट थी, ठीक है, उससे पहले एक अपडेट आई हुई थी आप लोगों के एग्जामिनेशन को लेकर। जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो 26 सितंबर तक यहाँ पर चलने वाली है 9 सितंबर से, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बाद जो सीजीएल का सीएचएसएल का जो आपका टीयर टू होने वाला है उसके लिए यहाँ पर इनको समय चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा जो अपडेट आया हुआ था वो एसएससी एमटीएस को लेकर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसएससी एमटीएस की जो एग्ज़ाम है उनका भी यहाँ पर नोटिस इन्होंने जारी किया गया है और ये आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर तक जो है ये जाने वाली है 30 सितंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होगे 26 को आपकी जो है सीजीएल की ख़त्म हो रही है, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों की 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर को जो है ये आप लोगों का जो है ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का एमटीएस का, ठीक है। तो ये जो अपडेट दोनों हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 14 नवंबर तक तो यहाँ पर जो है सीएचएसएल के लिए कोई स्थान नहीं दिख रहा है कि वो कंडक्ट होगा सीबीटी 2, ठीक है, सीबीटी 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नवंबर के बाद ही 14 नवंबर के बाद ही आपका सीबीटी 2 यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। अब बात करें आपके रिजल्ट की तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीना जो है उनको एग्ज़ाम के लिए लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो ये आपके जो रिजल्ट है जैसे अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट जो वीक है यहाँ पर आप लोगों को जो है ये टीयर वन का जो आपके सीएचएसएल का रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है जो शेड्यूल है एसएससी का उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें का बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से हो सकता है आप लोगों का लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आपको 1 से 2 महीना जो है आपके जो टीयर टू है उसके लिए यहाँ पर समय मिल जाए, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट है। तो यहाँ पर अगर आपके अच्छे नंबर है तो आप टीयर टू की तैयारी कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है अभी आपके पास समय है, ठीक है। बाकी सीएचएसएल सीजीएल जो आपकी एमटीएस है उसकी एग्ज़ाम डेट्स भी आ गई है, आप लोगों ने अगर इसका फॉर्म फिलअप किया है तो इसको जो है नोट डाउन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।